हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्रिड ऑफ कंक्रीट के बारे में, ठीक है ना। तो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ग्रिड ऑफ कंक्रीट ये कितने होते हैं, ठीक है, और कौन कौन से होते हैं। एक होता है M5 होता है। इसका जो रेशियो होता है 1:5:10 होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये सारे के सारे ग्रिड ऑफ कंक्रीट हैं। M25 का जो होता है 1:1:2 होता है। ये सारे के सारे नॉमिनल मिक्स कहलाते हैं ये, ठीक है ना। अब M25 के बाद में जो हमारे शू होते हैं वो डिज़ाइन मिक्स शू होते हैं। M30 होगा वो डिज़ाइन मिक्स होता है। हालांकि M25 को भी हम डिज़ाइन मिक्स यूज़ करते हैं, कर सकते हैं, लेकिन जो है आता, लेकिन ये नॉमिनल मिक्स में है ये, ठीक है। तो इसके ऊपर में जितने भी होते हैं M30, M35, M40, वो सारे के सारे हमारे डिज़ाइन मिक्स होते हैं। अब देखिए कि ये M5 है क्या, ये M5 का क्या मतलब है ये। तो M का मतलब तो है मिक्स, ठीक है ना। मिक्स कौन सा है, 1:5:10। वन क्या है, वन सीमेंट है। फाइव क्या है, फाइव सैंड है। और टेन एग्रीगेट है, ठीक है ना। तो सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट इनका मिक्स है, उसको हम डोनेट करते हैं एम से। और फाइव क्या है, देखो दोस्तों, फाइव है करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एट 28 डेज। जो हमारी 28 डेज पर स्ट्रेंथ आती है वो है 5 न्यूटन पर MM². तो वो उससे उसको हम फाइव से डोनेट करते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया कि ये एम क्या है, फाइव क्या है। फाइव अगर कोई पूछेगा तो हम बताएंगे करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एट 28 डेज। तो फाइव ये है, ठीक है। तो देखिए, वन सीमेंट हो गया, ठीक है ना, और ये वाला जो पार्ट है ये सैंड हो गया, और तीसरा वाला जो पार्ट है वो एग्रीगेट हो गया, यानी 1:1:2:2। वन में 1:1:2:2 में वन तो सीमेंट हो गया, वन सैंड हो गया, और टू एग्रीगेट हो गया। अब इसको याद कैसे करेंगे, ये हमें अक्सर पता तो रहता है लेकिन हमें याद नहीं हो पाता है। तो हम क्या कैसे याद करेंगे, हम M5 से स्टार्ट करेंगे। हम M5 से, तो यही पहला हमारा मिक्स है ये। तो इसका ये होता है M1:5:10। तो इसको हम कह समझेंगे कि फाइव से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए 1:1 के बाद फाइव आएगा, फाइव के बाद इसका जस्ट डबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो फाइव से याद कर लो आप। अब दूसरा क्या आएगा, वन तो ये रह ही रहेगा क्योंकि वन पार्ट ऑफ सीमेंट है ये। अब दूसरा 7.5 क्या हो जाएगा, फाइव में वन वन कम कर देंगे, ठीक है ना, और इसका डबल कर देंगे, ठीक है। तो ये याद रह जाएगा 1:4:8। ऐसे ही M10 में वन तो ये रहेगा, अब इसमें वन कम कर देंगे और इसका डबल कर देंगे, यानी 1:3:6। अब 15 में वन तो ऐसे ही रहेगा सीमेंट वाला पार्ट, अब थ्री का वन कम कर देंगे, ठीक है, 1:2:2, और टू का डबल कर देंगे यानी 2 का 4 कर देंगे ये, ठीक है। अब इसमें आ जाओ आप, तो 1:1.5:3। तो अब दो का आधा कम हो जाएगा अभी, ठीक है। यहाँ से 1:1.5:2, डेढ़ का जो है 3 कर देंगे ये, ऐसे 1:1:2 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ तो वन कम करते हुए चले आए 5, 4, 3, 2, 2 तक। अब 2 के बाद यानी ऊपर के 4 जो हैं उसमें वन वन कम किया है, उसके बाद में आधा कम किया है, फिर आधा कम किया है लास्ट के। तो ऐसे ऐसे याद कर लेंगे इसको। तो समझ में आया आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितने होते हैं, और एम का मतलब क्या है, और फाइव का मतलब क्या है। तो दोस्तों, आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन कंटिन्यू मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए, अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।